रहेंगी क्या उनके साथ? जी मैं आज भी मैंने किसी को मना नहीं किया है, आज भी मुझे प्रोड्यूसर्स फोन करते हैं कि किसारे जी अपोजिट है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बोला है कि मैं उनके साथ काम नहीं करूंगी, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्यों इतना मतलब उछल रहे हैं एंड हर जगह इतना बोल रहे हैं लाउड स्पीकर में कि लाइक मैं काम नहीं करूंगा। सो उनका मुझे समझ में, नफरत तो सिर्फ मुझसे ही हो रही है क्योंकि ये जिस तरह से हर जगह बोल रहे हैं कि मैंने उनको धोखा दिया है और मैं बहुत वो मुझे बहुत गलत वे में प्रेजेंट कर रहे हैं हर जगह, सो बस इस वजह से ही लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और नफरत तो एक ये भी बनता है कि मैं गुजराती हूँ लेकिन सबसे ज्यादा इंसानियत है मेरे अंदर, मैं कभी किसी के सामने इवेंट्स मैं भी करती हूँ, हर जगह मैं भी जाती हूँ, हर चीज मैं भी इंट्रोड्यूस देती हूँ, हर चीज करती हूँ, मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, ना मैंने किसी के बारे में कभी ऐसा बोला, ना ही मैंने कभी ये बोला कि खिसारी ने मुझे धोखा दिया। अगर मैं ये बोलना स्टार्ट करूँ खिसारी ने धोखा दिया है तो फिर बहुत कुछ बातें बन सकती है, ना ही मुझे लाइव आके रोने की आदत है, मैं जो भी करती हूँ मुझे पता है क्या इज्जत होती है क्या रिस्पेक्ट होती है, और एक्टर है, इंडस्ट्री चलती है, हमसे चलती है, गिन चुन के जो 10 लोग हैं उन्हीं लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री चलानी है और उसी को आगे बढ़ाना है, तो हम ही लोग इसी में उलझे रहेंगे तो इंडस्ट्री को ग्रो करेगा। और इस वजह से मैं इस मैटर में पढ़ती भी नहीं हूँ और ना ही मैं इनको ऐसे उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, तो मुझे कोई वो नहीं है और मैं बहुत सोची हुई हूँ, समझदार हूँ, काश आप समझदार होते तो शायद ये सब अफवाह ना फैलाते और लोगों से गालियां ना दिलवाते, अगर आप इतना ही प्यार करते और इतना ही रिस्पेक्ट होता किसी के नजर में, ना ही इज्जत होती अगर। बधाई आपको, आखिरकार आपके नाम पर गाने भी बन गए हैं, वायरल भी हो गया, बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं। हाँ लेकिन व्यूज तो आ रहे हैं, व्यूज भी आ रहे हैं, और हम बड़े जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं यहाँ पे, कुछ जैसे हम जैसे बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस जो जिनके पीछे कुछ लोग हाथ धो के पड़े हुए हैं, जो हमें बड़ा भी बनाता है और जो बोलता है कि हमें हम लोग बदतमीज भी है, हमें तमीज भी नहीं है, और खुद ही मुंह से भी बोलता रहता है कि बड़े एक्टर बड़े एक्ट्रेस बड़ी एक्टर बड़ी एक्ट्रेस, जब हम इतने ही बड़े हैं तो तभी आपका चैनल भी चल रहा है, मेबी शायद जो भी 1 लाख 1.5 लाख जो भी सब्सक्राइबर्स आपके बड़े हैं तो शायद हम बड़ों की वजह से ही बने हैं, अगर हम लोग बड़े नहीं होते तो शायद अब कोई देखता भी नहीं। तो मेरे स्टारडम में अगर मैं योगदान देना चाहूंगी तो मैं फिर पवन जी को ही देना चाहूंगी, बिकॉज इनके साथ मेरी पैर बनी थी मेहंदी लगा के रखना से, क्योंकि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी और हम दोनों का रोमांस उनको पब्लिक को बहुत। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब पवन जी और खिसारी के बीच में मैं किसी को चूज कर रही हूँ, या फिर लोगों को भी ये दिखाना चाहती हूँ कि खिसारी जी से अगर कुछ भी हमारे इश्यूज है पर्सनल इश्यूज है उस वजह से मैं अभी पवन जी को मैं वो कर रही हूँ कि उनको सिलेक्ट कर रही हूँ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मेरे दो फेस नहीं है। पवन जी को मैं इसलिए देना चाहूंगी बिकॉज मेरी एक फिल्म आई थी उनके साथ हुकूमत, जिसमें हुकूमत थी एंड देन उसमें जो गाने थे चिकन समान एंड चोली में एक्टर करार, और उसके बाद बहुत ब्लॉकबस्टर मेरी फिल्म आई एक भोजपुरिया राजा, जिसका एक गाना था चलकता हमर जवानिया, तो उसके बाद जो मेरी मैं हिट हुई हूँ, लोगों ने मुझे पसंद किया है, उसके बाद मेहंदी लगा के रखना बनी है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि खिसारी जी की वजह से मेरा स्टारडम आया है, मैं कहूँगी पवन जी की वजह से आया। सी मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं बहुत प्रोफेशनल हूँ अपने वर्क को लेके, तो मुझे अगर खिसारी जी को फेस भी करना पड़ता है वो मेरे दुश्मन नहीं है, ना मैं मानती हूँ, मैं मुझे उनके साथ बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगी, अपना काम है मैं करूंगी, उसमें क्या है, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टर की तरह मैं हीरोइन हूँ उस फिल्म की, तो मैं मुझे अगर प्रोड्यूसर बुलाएंगे बिकॉज साइन तो मुझे प्रोड्यूसर ने किया है डायरेक्टर ने किया है, तो मैं वो मुझे जो बोलेंगे मैं वो करूंगी बिकॉज वो मेरा फर्स्ट।